एक पॉइंट पे दुर्योधन जो है डिसाइड right. uh, अच्छा। और सबसे फैसिनेटिंग डिटेल ये है कि आज का जो नाम है बेंगाल वो नाम भी वंग से आता है इन द प्रेजेंट डे इंडिया हस्तिनापुर कहाँ पे होगा एंड इंद्रप्रस्थ uh, जो हम कहते हैं वो कहाँ पे होगा कर्ण जो है थर्ड सेनापति डी महाभारत कौरवस. सो कर्ण और दुर्योधन का फ्रेंडशिप बहुत ही क्लोज था बहुत hmm. ही थिक फ्रेंडशिप था कर्ण युद्ध छोड़ के भी भागा था बहुत से जगहों पे हार भी गया था वो तो एज अ वॉरियर क्या था वो मतलब एक बहुत उम्दा किस्म का जो हम वॉरियर कहते हैं वो था या डरपोक था शायद कि जब भीम अपने दिग्विजय ट्रिप पे निकल रहे हैं तो रास्ते में अंगराज कर्ण से उनका लड़ाई होता है आ, अर्जुन से कभी कर्ण जीत नहीं पाए नमस्ते जय हिंद मेरा नाम है जय और ये है द दवारा मुसाफिर शो एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर की आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट बहुत ज्यादा स्पेशल है हमारे गेस्ट का नाम है चंद्रू रमेश जी चंद्रू रमेश जी एक हिस्टोरियन है और एक ऑथर है इन्होंने अपने लाइफ के कई साल महाभारत के एविडेंसेस को ढूंढने में बिताए है ये हमारा है इस में हम बात करते हैं कि महाभारत की एग्जैक्ट जोग्राफी क्या थी हम बात करते हैं कर्ण कौन था हम बात करते हैं कर्ण के क्या एविडेंसेस हमें हिस्ट्री में मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कर्ण नामक एक इंसान सच में एग्जिस्ट करता था दिस पॉडकास्ट इज फॉर एवरी वन लव्स महाभारत हु हैज एन इंटरेस्ट इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आई होप सो आपको ये एपिसोड पसंद आएगा ये कॉन्वर्जेशन से आपको कुछ सीखने मिलेगा सो विदाउट एनी फर्दर अट स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन थ्री टू वन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में पिछले बार जहां हमने दिल्ली में शूट किया था इस बार मुंबई में कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे देखेंगे उन्हें पता नहीं होगा ये बट हम काफ़ी रात को शूट कर रहे हैं सर थैंक यू सो मच आप इतना टाइम निकाल के आए हमारे स्टूडियो पर एंड आज बहुत सारी महाभारत पे एंड स्पेशली कर्ण के बारे में बात करेंगे जोग्राफी के बारे में बात करेंगे बट सर फोर्स्टली वेलकम ऑन द शो थैंक यू थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी एंड आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग सो फार एंड कमिंग ऑल द वे मुंबई डूंग दिस पॉडकास्ट ओके सर पहले तो थोड़ा बेस सेट कर दें फॉर द फर्स्ट टाइम व्यूअर्स जिन्होंने आपको पिछले हमारे पॉडकास्ट पर नहीं देखा था uh, उनके लिए आई वॉन्ट टू गिव द कॉन्टेक्ट कि यहाँ पे हम किन चीज़ों की बात करने वाले हैं एंड एज अ हिस्टोरियन एंड समवन जो कि एविडेंसेस के ऊपर फैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं तो उन्हें आप एक बार अपने बारे में बता दीजिए कि हिस्टोरिक uh, का जो फाउंडेशन है वो भी क्या करती है आप एज अ पर्सन किस तरह से हिस्ट्री को देखते हैं राइट सो माई सेल्फ माई नेम इज़ चंद्रू रमेश मैं एक फॉर्मर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था एच सी एल टेक्नोलॉजीज में एंड देन आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज टू वर्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब मैंने देखा कि लोग जो हैं डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने पास से एंड लॉट ऑफ मिसकसेप्शन अबाउट आवर पास हिस्ट्री विच इज बी फ्लोटेड अराउंड इन सोशल मीडिया और हमारे जो चिल्ड्रेन हैं जो अगले जनरेशन हैं दे आर काइंड ऑफ कंप्लीटली डिसकनेक्टेड विद द ग्लोरियस Teachings, philosophies of our past. Because our culture is very antique culture. Hai, bahut, uh, you know, teachings, knowledge systems, philosophies, spirituality. Mm. It was awesome. Um, and history also gives us a lot of things to learn. The mistakes which happened in the past. You know, we don't repeat it again. So, I saw that for this country, history is a often neglected subject. Right? I career very good And I could have probably had... Uh, ज आई वॉज वर्किंग इन माई जॉब एंड कंटिन्यूइंगन आई सॉ की वट्स द पॉइंट इन रनिंग बिहाइंड मनी बिकॉज माई फैमिली डजेंट नीड यू नो वी आर नॉट सर्वाइविंग फॉर अवर डेली ब्रेड एस एज सच तो मैंने सोचा कुछ इंपॉर्टेंट करते हैं क्योंकि जीने वाले हैं बहुत शॉर्ट पीरियड नो सिक्सटी सेवेंटी एटी ईयर्स बताने कितना है सो Let's do something important for this nation, for this for this culture and for our ancestors. So many decided. And that's how I dedicated a significant portion of my life uh, right. in this pursuit that hum history could rewrite, reset kareenge mm. from an Indian perspective. Backed up by science, backed up by scientific data, mm. backed up by evidences. So that's something which I uh, did. And Historica as an organization is is ambition to achieve that right you know we want to bring scholars we want to train young historians hmm. young archaeology students we want to train them and we want to let them loose so that they go and uh, uh, re-establish the history of india right okay so years of research uh, up the um if you say the hardcore research is around uh, five years hmm. right there was a build-up <coughs> period for it बिकॉज आई टो टू ये कुछ से लॉ ऑफ हिस्टोरिकल साइट आर्कियोलॉजिकल साइट्स तो मैं वहाँ पर जाके स्टडी करता था बट उस टाइम पर मुझे उसका रेलेवेंस पता नहीं चल रहा था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इससे लोगों के लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा राइट बट देन सर्टन इंस्टेंसिस इन माई लाइफ इंट्रीड मी तो मैंने तब रियलाइज किया कि इसका क्या पोटेंशियल है लोगों के लाइफ में भारत के लिए इस देश के लिए इस संस्कृति के लिए कितना इम्पोर्टेंट है then i started full time hmm. right and when i started full time i was going through a lot of uh, difficulties because you know you have to, if you because i was married by then so you want to uh, do something of this sorts uh, being married it's quite <laughs> challenging you know? right but i am really grateful to my father who always stood hmm. with me he said beta karo important hai ke mat karo hmm. whatever you need डू इट सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई फादर इन दै सेंस दैट उन्होंने मुझे हमेशा एक होप दिला है कि सर आप करो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो जो तुम कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसको रोको मत इसको करो तो आई वॉज लाइक कैसे करूँ यू नो आई नीड सपोर्ट सर डोंट वरी आई एम डे फॉर यू यू डू इट Okay. and i know what you're capable of i know what you can create and what impact you will create hmm. what you will uh, achieve i know what you're capable of hmm. you know we are uh, we are someone we, we always create because hmm. we are uh, uh, you know sindhis from uh, we left our ancestral homeland from pakistan so he used to give me that narrative he said hmm. jate we fight karte, aur apna right so he said hum banaate, bhai. Tum bhi banao. ओके okay. सो so, मैंने बोला कि आपका बिजनेस कोई बात नहीं वी विल प्लान समथिंग कोई इशू <laughs> नहीं है तुम करो तुम्हें ये इंस्पायरिंग है तुम्हें लग रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट देश के लिए इम्पोर्टेंट uh, है तो करो सो इन दैट वे माय फादर वाज अ बिग सपोर्ट एंड बिग रोल ऑफ माय वाइफ राइट स्टार्टिंग में वी हैड डिफिकल्टी टू यू नो काइंड ऑफ मेक इट वर्क वर्केबल इन अवर रिलेशनशिप but then both of us you know set well with each other and today she's my uh, uh, support my source of inspiration uh, she takes care of uh, the family and makes sure that i do this without any mm. uh, any hindrance uh, keeps inspiring me uh, keeps sending good messages when i'm out for trips and lectures mm -hmm.

केव uh, पेंटिंग्स है यादवास, मतलब जो मेन यादवास थे उनके कॉइन्स अवेलेबल hmm. है महाभारत में है सो दैट वॉज वन बिग शॉक फॉर मे कि जो यादव थे दे आर नॉट माइथोलॉजिकल और इमेजनरी किसी ने उसको क्रिएट कर दिया ये मेरे लिए एक बड़ा रेवोलेशन था एंड ऑफकोर्स वन मोर रेवेशन वॉज द कुरूस एंड पांडवा कुरुवम शकिले थे तो कौरव थे और पांडव थे राइट right? तो ये इन दोनों का हिस्ट्री भी इट्स कनेक्टेड टू द कुरु डायनेस्टी राइट और ये जो कुरु डायनेस्टी है इट्स इट्स आल्सो हिस्टोरिकल उसके भी सिमिलरली जस्ट लाइक पांडवास के कैसे इतने सारे कैटेगरीज हाँ. में एविडेंसेस हैं इनके भी थे ओके okay. सो so ये दो चीज मेरे लिए बहुत बड़े अ uh, रिवोल्यूशन थे वाव फैक्टर शॉक सरप्राइज बिकॉज़ व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस रिसर्च मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस स्केल में एविडेंसेस अवेलेबल हो सकते हैं एंड व्हेन आई आई डिड वाज लाइक स्टंड इवन जब भी अभी भी मैं सोचता हूँ उसके बारे में कि भाई इतना एविडेंसेस है अवेलेबल है ये मिथोलॉजी हो ही नहीं सकता है पॉसिबल ही okay. नहीं है बट यादव के लिए क्यों <coughs> मतलब जब मैं स्कूल में भी हिस्ट्री पढ़ता था तो यादव के बारे में तो पढ़ाया जाता है हमें तो uh, मतलब वो क्यों शॉकिंग था शॉकिंग इसलिए था कि इट इज नॉट मियरली लिटरेचर ओके राइट right? अगर सिर्फ लिटरेचर में उसके बाद चल रहा है तो यू नो वी कुड ऑलवेज से अरे सिर्फ लिटरेचर में किताब ने किसने लिख hmm. लिख के के चले गए राइट बट इट्स इसके लिए लिटरेचर right. है मल्टीपल अदर कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया सब इसमें अवेलेबल है दैट्स इट अ बिग शॉक फॉर मी की अगर कोई कुकड़ब हुक स्टोरी है hmm. तो सिर्फ लिटरेचर में किसने लिख के चले गए

and the existence of the kuru vamsha and the bharata vamsha is also mentioned in the veda hmm. and the mahabharat and also we have references in other literary sources like panini patanjali and all that so in that sense is uh, evidences and references be numerous hai, okay. just like the Yadavas Okay, okay. Uh, तो सर हम जब कौरवों की बात कर ली हमने अब थोड़ा महाभारत को भी जानते हैं ताकि जो लोग first time viewers है या जिन्हें शायद महाभारत के बारे में ज्यादा पता नहीं है उन्हें आप बता दो कि महाभारत क्या है exactly? महाभारत अगर हम लिटरली उस वर्ड को देखें महाभारत मीन्स ग्रेटर भारत या ग्रेटर इंडिया सही वर्ड नहीं होगा बट जस्ट टू तो मेक यू अंडरस्टैंड कि ग्रेटर इंडिया ऐसे जस्ट टू तो मेक यू अंडरस्टैंड ग्रेटर भारत मतलब जो जो भारत था हाउ वास्ट इट वॉज जियोग्राफिकली स्पीकिंग तो महाभारत है राइट राइट सो दैट्स वे अ अग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग एक है जेनियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मतलब हुँ. जो जींस या मतलब जो बोल सकते हैं वंश वंशावली के हिसाब से सो so, भारतवंश का हिस्ट्री राइट दैट्स वन वे वी सी महाभारत एंड महाभारत आल्सो मींस दी हिस्ट्री ऑफ द वंश ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ़ पांडवस एंड कौनवस उस टाइम पे क्या भारतवंश का चल रहा था द ग्रेटर वॉर बिटवीन द भारतवंशी राइट भारतवंश के बीच में जो वॉर हुआ था महाभारत युद्ध उसकी पूरी उस, वो उस पर्सपेक्टिव में भी उस वर्ड को हाँ, देखा जा सकता है तो महाभारत वर्ड को मल्टीपल एंगल्स में देखा जा सकता है तीन पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया सो तो ये है महाभारत एंड uh, महाभारत को फिर हम जो हम जानते हैं वो उग्रश र, उग्रश रावी नाम के जो uh, मुनि थे ऋषि मुनि थे उनके थ्रू हम जान रहे हैं जो वेदव्यास जी ने लिखा फिर उसे कोई और बताता है एंड वो उग्रश आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम बट उग्रश ऋषि uh, जो थे वो उसे सुन के uh, किसी और को बताते हैं और वो महाभारत हम सुन रहे हैं ये yes, सो so, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था द फर्स्ट बुक विच वॉज initially given was jay and hmm. then expanded to bharat right. and then finally we have what is called as mahabharat but aisa bhi nahi hai ki you know it was uh, interpolated and it was uh, um, you know kind of created new literature hmm. disconnected from jay and bharat aisa nahi tha right. it was under the supervision of the same group of uh, people rishis munis hmm. ki you know इसको इस तरह से expand करना है and all the disciples and their disciples वैसे उनके नेतृत्व में हुआ था ओके सो इट्स नॉट समथिंग लाइक इन दैट वे। बट इट एक्सपैंडेड फ्रॉम जय टू भारत टू महाभारत राइट तो सर महाभारत right. तो जो ये किताब हम कहते हैं इसके अंदर एग्जैक्टली exactly क्या है किस तरह से इससे बनाया गया है आ, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए राइट right. सो so, महाभारत किताब जो है इट इज अ महाकाव्य सो महाकाव्य काव्य आप समझ पा रहे हो राइट right? धर्म रिलेशनशिप एंड पॉलिटिक्स बहुत सारे टॉपिक्स हैं you know, इतने सारे टॉपिक्स एक ही किताब में कंपाइल होकर महाभारत के नाम पे hmm. हम इसको जानते हैं

वन पर्व जब वो वन पे चले जाते हैं ऐसे पर्व बिल्ड होते रहता है टोटल तो, 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 तो फिर आता है जब मल्टीपल यू नो टेकिंग चार्ज पहला जो चार्ज लेने वाला पर्व है वो है सिक्स पर्व ओके okay. राइट छतवा पर्व जहाँ पे भीष्म जो है वो ही इज कमांडर इन चीफ सेनापति है राइट okay. राजा कौन है दुर्योधन एक and, एक पे एक साइड साइड पे पे हाँ, तो okay. तो है है तो तो इसमें क्लियर लिखा जैसे गीता में भी यू विल सी दैट इन चैप्टर राजा नाम से so okay. no सेनापति राइट right. पहले सेनापति हाँ. तो मारे जाते हैं देन ग्रेजुअली पहले ड्रोन आते हैं ड्रोन के बाद फिर कर्ण आते हैं हुँ. करने के बाद शल्य Okay. So, पहला आता है भीषमा जब जन भीज इन सेनापति फिर killed, Then, charge, right? भी इज किल्ड ही बहुत द रूल ऑफ कर्ण कर्ण जो है ही बिकम्स दि कमांडर इन चीफ और उसके बाद कर्ण कर्ण के डेथ के बाद हुँ. उनके मृत्यु के बाद शल्य जो है ही बिकम्स द सेनापति So, शल्य भी जब मारे जाते हैं उसके बाद महाभारत वॉरस कंप्लीटेड सो okay. so, शल्य जो है ये सहदेव के जो अंकल होते हैं वो है yes. माद्री पु, पुत्र मद्रा जो मद्रा हाँ, जनपद। यस yes, वो मैं बताता हूँ आपको जैसे शल्य जो है ही वॉज दी मामा ऑफ एंड नकुलेव जो है वो कुंती पुत्र नहीं है राइट हाँ. right? कुंती पुत्र चार है हुँ. तीन हम जानते हैं एक्चुअल में चार है कर्ण को मिलाने से चार है hmm. तो ये दो जो है भाई दो नकुलर सन ऑफ मादरी मादरी और मादरी कहाता है बिकॉज शी इज फ्रॉम मद्रा मद्रा से आइए hmm. इसलिए उसका नाम है मादरी मतलब वन हु बिलोंग्स टू द मद्रा किंगडम राइट मद्र मद्रा डाइनेस्टी या मद्र किंगडम जैसे भी आप बोलो तो बिकॉज शी इज फ्रॉम द मद्र किंगडम She was known as Madri. Hmm. तो उनके बेटे थे hmm. राज्य का राजा कौन था शल्या. Okay. शल्या, पांदवास. पांदवास के साइड में लड़ने के लिए ही आए थे बट hmm. दुर्योधन okay. ने जो ट्रिक किया उसके कारण उनको दुर्योधन का साइड लेना पड़ा ओके okay. ये स्टोरी है okay. महाभारत के हिसाब से लास्ट सेनापति टू बी किल्ड विथ हिस् डेथ

सियालकोट uh, uh, शहर वॉज द्वारा जनपद मद्रा जनपद जो है उनका हेडक्वार्टियाल कोट और सियालकोट का नाम कहाँ से आता है इट कम्स फ्रॉम के कम्सलाकल फिलहाल फिर एट सटन पॉइंट ऑफ टाइम द कोट वॉज एडेड एट साकल कोट राइट साकल कोट और साकल कोट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम साकल कोट बन गया सियाल Okay. तो शायद वहां के लोगों को पता नहीं है ये सियालकोट का नाम आया कहाँ से इट कम्स फ्रॉम कोट

सो कर्ण जो है ही इज दर्ड सेनापति ड्यूरिंग द महाभारत वॉर द साइड ऑफ द कॉरवर्स सो कर्ण और दुर्योधन का फ्रेंडशिप बहुत ही क्लोज था बहुत ही थिक फ्रेंडशिप था दे है ओन गोल्स एज वेल ऐसा नहीं है तो सो कर्ण एंड दुर्योधन हैड फ्रेंडशिप फ्रॉम द टाइम्स वैंड द अर्ली हिस्ट्री ऑफ महाभारत इज निकमोज एंड एक पॉइंट पे दुर्योधन साउथ बिहार अप्रोक्सीमेटली साउथ बिहार हाँ साउथ बिहार okay. तो वो रीजन जो है दुर्योधन गिव्स टू कर्ण hmm. की भाई तुम यहाँ पे शासन करो hmm. क्योंकि एक, एक पर्टिकुलर डिबेट uh, आता है कि ये कौन है भाई हुँ. ये कौन है uh, बीच में आ रहा है इसको कैसे हम एंटरटेन करें तो वहां पे दुर्योधन बोलता है भाई ये भी राजा है देखो मैंने इसको राजा बना दिया हुँ. ये अंगराज का राज रा, right. अं, अंग राज्य का राजा है हुँ. तो दुर्योधन ने उसको राजा बना दिया सो फ्रॉम दैट पॉइंट ही स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी प्रोमिनेंट एंड इम्पैक्टफुल राइट यू नो क्वाइट इम्पैक्टफुल डूरिंग एंटायर सागा उनका बहुत इम्पोर्टेंस हम देख सकते हैं कर्ण hmm. का तो कर्ण का जो राज्य था वो था अंग एंड hmm. अंग का जो हेडक्वार्टर था वो था चंपा चंपा नगरी जिसको बोल सकते हैं राइट right. चंपा नगरी तो ये था अकॉर्डिंग टू द महाभारत अंग एंड चंपा नगरी सो so, जब हम अंग की बात करते हैं जैसे आपने कहा कि दुर्योधन ने कर्ण को वहां का राजा बना दिया अंग के लिए हमारे पास में कोई हिस्टोरिकल एविडेंसेस है क्या ये सच में एक राज्य था इसके बारे में बताइए बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस है जैसे आप देख सकते हो इन अथर्व वेदा हम्म एंड ऑल्सो इन गोपथ ब्राह्मण जो दो प्राचीन किताबें हैं इनमें वर्णन है अंग राज्य का राइट right? uh, अंग लोगों का सॉरी अंग लोगों का वर्णन है अंगास उनका वर्णन है तो अंग राज्य जो है हिस्टोरिकल uh, था इसमें कोई संदेह नहीं है सो मच सो डेट ड्यूरिंग द पीरियड जो सोलह महाजनपद थे उसमें एक महाजनपद था अंगराज सो okay. अंग okay. so, ये सोलह महाजनपद का रेफरेंस अंगोत्तर निकाय में आता है ये बहुत ही प्राचीन बुद्धिस्ट लिटरेचर है इसमें लिखा गया है कि अंग नाम का एक राज्य हुआ करता था सो एक मिथोलॉजिकल राज्य नहीं है okay. वास्तव में अंग नाम का राज्य हुआ करता था और उसका जो मेन सिटी था अकॉर्डिंग टू महाभारत चंपा नगरी okay. और चंपा ओके okay. uh, चंपा नगरी के लिए हमारे पास में रेफरेंसेस है चंपा नगरी के लिए हमें हमारे पास रेफरेंसेस है महाभारत में ओके okay. और सबसे एक फैसिनेटिंग रेफरेंस है बाई युवा चुवांग युवान चुवांग कौन है युवान युवाचुआंग एक

कि स्थानेश्वर स्थानेश्वर एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जो आज हम जिसको बोलते हैं थानेसर ओके थानेसर जिसको कई लोगों को पता होगा थानेसर नाम का शहर या हाँ। रीजन है कुरुक्षेत्र में थानेसर का नाम आता है स्थानेश्वर से ओके स्थानेश्वर बन जाता है थानेसर तो कई ऐसे वर्ड जो है संस्कृत से मिस प्रोनाउंस होकर क्रिएट हो जाते हैं थानेसर तो थानेसर जो है वो आज का नाम है स्थानेश्वर जो नाम है इसको चाइनीज ने एंशियंट चाइनीज ट्रैवलर्स ने कैसे प्रोनाउंस किया है उन्होंने इसको बोला है सातानी सो फोलो है सातानी सातानी सो फोलो सातानी सो फोलो हाँ तो स्थानेश्वर उसको okay. वो लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं सातानी सो फोलो हाँ. तो वैसे चंपा तो इस चंपा चंपा या चंपा को इन्होंने चांपो ओके ऐसे। तो अपने हिसाब से उन्होंने

मोस्ट ऑफ साउथ या साउथ ईस्ट बिहार मे बी स्लाइटली ऑफ स्लाइटली इन बेंगॉल एंड स्लाइटली इन द सदर्न स्टेट प्रॉब्लली इन झारखंड तो ये द जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ अंगा ओके राइट सो सर आपकी बुक में तो आपने बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस दिए हैं एंड आपके साथ में बात करने का एक जो यूएसपी मुझे लगता है वो यही है कि आप एविडेंसेस एंड फैक्ट्स के ऊपर बात करते हो इनफैक्ट जैसा अभी भी आपने कहा कि अंग के लिए भी आपने एक एविडेंस दिया एक फैक्ट बताया चंपा नगरी के लिए भी आपने बताया uh, जब हम अंग की बात करते तो अंग और वंग ये बहुत से बार मैंने सुना है लोगों को कहते mm -hmm. हुए uh, क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ महाभारत इन टर्म्स ऑफ कर्ण इनका क्या रिलेशन है Uh, speaking, ये बहुत पास थे, पास पास थे. Okay. तो महाभारत में, के हाथ में था. अच्छा। right? so और सबसे फैसिनेटिंग डिटेल ये है की आज का जो नाम है बेंगोल वो नाम भी वंग से आता है हुँ. काफी मतलब वो है, हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए तमिलनाडु में जाके आप बंगाल वर्ड यूज नहीं करते हैं लोग तमिल में बोलते हैं वंगालम hmm. वंगालम क्योंकि वो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है वंगालम right. आज right. में अम आता है तमिल में बट hmm. वंगाल राइट right? वंगाल ओके okay. सो so, हमारे uh, नेशनल एंथम में भी वंग वर्ड uh, आता है राइट हाँ यस दैट्स दैट्स द ओरिजिनल वर्ड बट इन बंगाली इट बिकम्स यू नो बंगाली लैंग्वेज इट बिकम्स

इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ी चीज होती है एंड करना चाहता था कि दुर्योधन का राजस्वी यज्ञ हो uh, इसके पीछे क्या कहानी है एग्जैक्टली सी राजस्वीय का सिग्निफिकेंस क्या है राजस्वीय का मतलब ये है कि जो राजा राजस्वीय कर लेता है ही इज लाइक यू नो डिक्लेयरिंग हिज सुपीरियरिटी ओवर एवरीवन एल्स नो राजस्वीय एस्यूमिंग किंगशिप तो करना क्लियर था कि इनको राजस्वीय करवाना है राइट right. दुर्योधन को बिकॉज का तो ऑल नो दैट स्टोरी राइट तो उसको क्लियर था कि यू you नो know, मुझे दुर्योधन को राजस्व करवाना है उसका सुपीरियोटी डिक्लेयर करना है और राजस्व के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है दिग्विजय दिग्विजय मतलब दिग मतलब डायरेक्शन दिशा एंड दिग्विजय मतलब विजय दिशा पे विजय तो वैसे नहीं कि दिशा मतलब हवा पे विजय ले रहे हैं दिशा है। दिग्विजय का मतलब ये चारों दिशाओं में जो भी लोग हैं मतलब मेनली जो राजा है सबको हम सबड्यू करें okay. आ, या जो भी एक्सेप्ट कर रहा है हमारे सुपीरियरिटी को वो ट्रिब्यूट्स देगा ट्रिब्यूट्स लाइक यू नो गिफ्ट्स देगा दान देगा फ्रॉम फॉर दिग्विजय नहीं अगर उसके उसके ट्रिब्यूट को मान नहीं रहा है तो लड़ाई होगा ओके okay. लड़ाई में अगर ये जो आया है बाहर से अगर वो जीत गया तो और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा यहाँ से जो भी ट्रिब्यूट्स लेना है राइट right? गिफ्ट्स लेना है जो भी वेल्थ लेना है लेके और और आगे बढ़ेगा जहां तक हो सकता है मैक्सिमम हो जाके उसको कौन करेंगे ये है दिग्विजय ट्रिप सो राजस्या के तुरंत बाद मतलब राजस्व जब डिसाइड कर लेते हैं कि राजस्व करना कर है राइट राजस्व यज्ञ जब करना है जब डिसाइड करते हैं उससे पहले है ऑफ कोर्स दे दे इट थिंक दैट दे हैव टू डू इट देन होता है चार दिशाओं पे जाते हैं कॉन्क्वर करने के लिए और ये चीज हम देख सकते हैं युधिष्ठिर के राजस्वी यज्ञ में भी तो उसके पहले आ, चार दिशा में चार भाई जाते हैं और महाभारत ऐसे फैसिनेटिंग ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन right. चार भाई चार दिशा पे गए थे भीम जो है ईस्ट में राइट और आ, अर्जुन जो है नॉर्थ राइट right. नकुल ऑन द वेस्ट सहदेव ऑन द साउथ चार भाई चार दिशा में युधिष्ठिर वहीं बैठे थे बीच में तो ये इनक, इनका दिग्विजय था और Uh, uh, करने का कैसे था सर जस्ट टू कट यू शॉर्ट हियर फॉर अ सेकंड क्रोनोलॉजी मुझे सिर्फ एक बार समझना है ताकि व्यूअर्स को भी समझ में आ जाए आप पहले जो राजसूय यज्ञ है वो डिक्लेयर करते हैं कि ये हम करने वाले जो भी राजा है उसको लगता है वो डिक्लेयर करता है उसके बाद में आप दिग्विजय पे जाते हैं यू कॉन्कर यू ब्रिंग इन द ट्रिब्यूट जो भी वो जहाँ पे भी आपने कॉन्कर किया है जो भी आपके सुपीरियरिटी uh, को एक्सेप्ट कर रहा है से आप ट्रिब्यूट लेके वापस आते हैं एंड फिर ये जितने भी जगहों को आपने कॉन्कर किया है वहां पे जो भी राजा थे या छोटे मोटे जो भी लोकेशंस थे जो मेन लोग थे उन्हें आप उस यज्ञ में इनवाइट करते हैं एंड वो यज्ञ होता है फिर दिस इज द क्रोनोलॉजी यस यज्ञ पे आते हैं और यज्ञ में दे डू देयर सैक्रीफाइस वर्शिप जो भी करना है रिचुअल्स hmm. uh, करना है और राजा डिक्लेयर किया जाता है तो ये क्रोनोलॉजी uh, है सिक्वेंस है तो वैसा चीज दुर्योधन के लिए भी करना चाह रहा था ओके okay. राइट right? करना वांटेड दैट दुर्योधन जो है वो भी एक पावरफुल एम्पर की तरह दिखे हुँ. तो उसके लिए दिग्विजय के लिए वो डिसाइड करता है कि चारों दिशाओं पे मैं जाऊँगा तो इसके इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक बार दुर्योधन और दुशासन शकुनी अलोंग विद करना ये चार लोग जो है भीष्म का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि भीष्म जो है ज्यादातर पांडवों के फेवर में बात करते थे तो इनका जब मजाक उड़ा के हंसते हैं तो भीष्म को बहुत दुख होता है दुख होते हो, होके वो चले जाते हैं वहां से राइट उसके बाद कर्ण जो है गरजता है भाई मैं जाऊँगा चारों दिशा भाई दुर्योधन तुम्हारे लिए मैं चारों दिशा जाऊंगा और मैं पूरे दिशाओं में कॉन्क्वेर करके हरा के मैं तुम्हारे लिए राजस्व करवाऊंगा तो ये इसने एक प्रतिज्ञा ली थी ओके। और दुर्योधन बहुत खुश हो गया अच्छी बात है करो तो ये उसके बाद इनका कर्ण का जो है दिग्विजय यात्रा शुरू होता है चारों दिशाओं में कई राज्यों और प्रदेशों को वो आ, हराता है नहीं तो वो लोग ट्रिब्यूट देते हैं खुद से ये इसका हिस्ट्री है ओके तो कौन से ये राज्य होते हैं इसके कोई एग्जाम्पल्स है सो अगर आप देखेंगे चार दिशा में चारों दिशाओं में अनेकों राजाओं को ही हैड कंट्रोल और मेड श्योर दैट दे ऑफर ट्रिब्यूट नॉर्थ में ही ऑन द ऑन द हिमालय ही मेड श्योर दैट भागदत्ता ऑफर ट्रिब्यूट भागदत्ता एंड उसके बाद तो जब ईस्ट uh, की तरफ जाते हैं तो उसमें अंग मंग मिथिला मगध राइट right, ऐसे कलिंग uh, hmm. जो ओडिशा के रीजन है आज का ओडिशा रीजन है तो ऐसे मल्टीपल uh, राज्यों को वो हराते हैं नहीं तो ट्रिब्यूट्स ले लेते हैं वहां hmm. से देन ही डिसाइड्स गो साउथ राइट तो साउथ में भी ही गेट्स ट्रिब्यूट्स और साउथ uh, में जब वो जाते हैं ही मेक श्योर दैट पांड्या रीजन एंड केरला रीजन राइट एंड अवंतिया जो अवंती बोलते हैं वहां से तो ऐसे मल्टीपल रीजन से वहां ट्रिब्यूट लेते हैं और इन द वेस्टर्न डायरेक्शन जब वो जाते हैं तो यावन hmm. और बर्बरा right. बर्बरा किंगडम से आ, वो लोगों से बर्बरा लोगों से ट्रिब्यूट्स लेते हैं बर्बरा लोग मतलब uh, बरबरा जो शब्द है इट इज मोस्ट लाइकली दिजिन ऑफ द बर्बरी का विच इज मोस्ट लाइकली द ऑरिजिन ऑफ द टर्म बार्बेरियंसर ट्राइब ऑफ पीपल तो बार्बेरियन जो इंग्लिश में शब्द है इट इज मोस्ट लाइकलीट इ लोगों से वो शब्द आया होकेट सो ऐसे चारों दिशाओं में कई राज्यों को कर्ण जो है हराता है लेता है वो अपने इच्छा से ट्रिब्यूट दे रहे

Uh, बहुत से जगहों पे हार भी गया था वो तो एज अ वॉरियर क्या था वो मतलब एक uh, बहुत उम्दा किस्म का जो हम वॉरियर कहते हैं वो था या डरपोक था शायद वेल well, करना जो है डेफिनेटली डरपोक तो नहीं था वॉज वेरी करेजियस इन वॉरफेयर बट ही ऑल्सो वॉज नॉट विनिंग वॉर्स ऑलवेज लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जब भीम अपने ट्रिप पे निकल रहे हैं, तो रास्ते में उस टाइम पे भीम जब निकले उन्होंने कर्ण को हराया हुँ. और कर्ण जो है महाभारत युद्ध टाइम पे भीम को आ, बहुत ही मुश्किल पोजिशन पे डाल देते हैं सो ऐसा होता है कभी कर्ण जीते कभी भीम जीते तो वो था बट इन टर्म्स ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ वॉरफेयर अर्जुन वॉज फार सक्सेसफुल एंड अर्जुन से कभी कर्ण जीत नहीं पाए hmm. कभी जीत नहीं पाए तो ये हिस्ट्री था तो वॉज ही अ कॉवर्ड नो ही वॉज नॉट अ कॉवर्ड बट वॉज हिज वैल्यूज प्रॉपर नॉट एग्जैक्टली बिकॉज उन्होंने जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है उसके लिए वो एक मेजर कारण थे तो उनके लिए क्या हुआ क्या अपमान हुआ व्हाट एवर इट इज किसी स्त्री को अपमानित करवाना उसमें एक मेजर रोल प्ले करना किसी भी एक क्षत्रिय को या एक वॉरियर को या एक राजा को शोभा नहीं देता है तो उन्होंने जो भी आ, उनको रिजल्ट मिला इट वॉज प्राइमरीली बिकॉज उन्होंने चूज किया ये साइड कि अधर्म के साइड पे मैं खड़े रहूंगा विच इज दैट मुझे जो है uh, पांडवों के प्रति मेनली अर्जुन के प्रति बहुत अनईजी uh, है आई वुड से ही ऑफ अर्जुन प्रॉबली तो इस फीलिंग ये जो फीलिंग ऑफ अनइजीनेस टूवर्ड्स अर्जुन है इट बिकेम सो बिग सो बिग सो बिग दैट उनको ये भी फर्क नहीं पड़ा कि एक स्त्री uh, सबके सामने अपमानित हो रही है तो वो उस चीज को कैटलिस्ट uh, uh, थे

एशंट इंडियन कल्चर में था कि हम जो है स्त्री और बच्चे एंड बूढ़ों को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे प्रीस्ट वगैरह उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे हाँ, जनरली आप लोग इस पे आ रही है वी नो वी विल नॉट इन्वॉल्व वुमेन विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर कि वुमेन को हम दाव पे लगाएंगे वॉरफेयर में ये था नहीं कल्चर महाभारत के टाइम पे तो

ओके सर बिकॉज आपका स्पेशलाइजेशन जो है एविडेंस के ऊपर है फैक्ट्स के ऊपर है कर्ण को लेके हमारे पास में क्या एविडेंस मिलता है इन द हिस्ट्री हिस्टोरिकली स्पीकिंग कर्ण फेमस फॉर इन लिमिटेड एक्सपीरियंस एक है दैट ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द यू नो वस्त्र हरण इसके लिए वो जाने जाते हैं एंड uh, और एक चीज के लिए जाने जाते हैं कि फ्रेंड ऑफ दुर्योधन ऑल दो वी कैन क्वेश्चन कि अधर्म होने के बाद भी kept, uh, दुर्योधन, तो एक hmm. जो था, था और तीसरा था एवरी वन नोज फेमस फॉर चैरिटी दानवीर जिनको माना जाता था तो तीन चीज में कर्ण जो है uh, in my he was very for hmm. these three things and of course फेमस फॉर expert in warfare and all that तो ये तीन चीजें हैं करने के बारे में हम वी नो क्वाइट वेल। ओके एंड इसके एविडेंस हमें क्या मिलते हैं या यू कैन सी एक हजार चार सौ साल पुराना इंस्क्रिप्शन है जो uh, जिसका नाम है पट्टकल इंस्क्रिप्शन तो इस इंस्क्रिप्शन में uh, चालुक्य राजा विजयादित्य उनके गुण जो है कर्ण से कंपेयर किए गए ओके कि कर्ण जैसे जैसे कर्ण जितना दान करता था हुँ. वैसे ही हमारे जो चालुक्य राजा है वो भी बहुत बड़े दानवीर हैं अच्छा। ऐसे टाइप का एक इंस्क्रिप्शन हम देख सकते ओके okay. ये uh, कौन सा था मतलब ये करीब uh, आप मान के चलो सेंचुरी सी CE में थाउजेंड फोर हंड्रेड ईयर पुराना इंस्क्रिप्शन है okay. मतलब उस टाइम पे भी लोग जानते थे कि मतलब कर्ण जो है वो दान में बहुत फेमस था दान देने में

राइटिंगस ऑफ ग्रीक सोर्सिसमी एंड वी ऑल्सो है इंद्रप्रस्त का नाम है इं, इंद बरा इंद बरा uh, दूसरा एक नाम है इंदोपत राइट okay. सो right? so, ऐसे मल्टीपल नेम्स इंद्रप्रस्त के लिए हम देख सकते हैं इंद्रप्रस्त वॉज क्वाइट ए प्रोमिनेंट एंड अस्टोरिकल सिटी तो इसका रेफरेंस uh, ये है कि वो सदर्न कुरूलैंड था कुरूज so, के तीन रीजन थे नॉर्थ, सेंट्रल साउथ। ओके, ओके। तो ये सदर्न जो था हुँ. उस वो फॉरेस्ट लैंड था हुँ. तो फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके बनवाया गया था व्हाट इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ प्रेजेंट डे इंडिया में कहाँ पे होगा uh, पुराना किला पुराना किला न्यू डेली न्यू डेली सो द रीजन विच टू डे वीनोजी और न्यू डेली तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है इंद्रप्रस्थ okay. आज भी दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में आ, area, जिसका नाम है आईपी एक्सटेंशन ओके शायद आपको पता नहीं होगा मुंबई दिल्ली हाँ, yeah. uh, में एक रीजन है इंद्रप्रस्त okay. नाम दिल्ली में बहुत फेमस है right. I mean, लोग हर कोई जानता है अवेयर है हाँ. Hmm. जितना यहाँ पे आ, इन पार्ट्स वेस्टर्न इंडिया या साउथ इंडिया हम इसको जानते नहीं है कि hmm. लोग दिल्ली में इंद्रप्रस्त नाम से एक्सेप्टेबल है इट इज ऑन बैंक्स ऑफ गंगा ओके इंद्रप्रस्थ जो है इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना एंड ओके वो जो है हरियाणा में पड़ता है आज भी एक सिटी है हस्तिनापुर hmm. सो मोस्ट लाइकली उसी सिटी uh, के प्रॉक्सिमिटी uh, में एंशियंट हसीनापुर था ओके एंड कुरुक्षेत्र भी हरियाणा में ही आता है कुरुक्षेत्र हरियाणा में उसका लोकेशन जो है right. वो बिल्कुल स्पॉट परफेक्ट हाँ। है हाँ। उसमें कोई संदेह नहीं है कि जो आज का कुरुक्षेत्र है दैट इज एंशियंट कुरुक्षेत्र ओके सर कुरुक्षेत्र के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें जाननी है तो फर्स्टली इसे धर्म कहा जाता है बट देन अगेन वहां पे वॉर हुआ तो इसके पीछे क्या रीजन है हिस्टोरिकल yeah. एविडेंसेस uh, हमें कुरुक्षेत्र के लिए क्या मिलता है क्योंकि आपने कहा था कि एक्यूरेट है आज भी वही लोकेशन तो आई एम श्योर की कुछ एविडेंसेस होंगे जिसके बेसिस पे आपने कहा yeah. तो ये दो चीज है गीता भगवद गीता स्टार्ट विद दिस श्लोका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता hmm. युत्सवा माम का पांडवा शैव कि मकुर संजय की अः uh, पूछ रहे हैं कि संजय uh, लड़ने के लिए दोनों खड़े हैं पांडव एंड कौरव खड़े हैं धर्म क्षेत्र में खड़े हैं तो इन्होंने क्या किया इट इट लुक्स लाइक वेरी स्टूपिड क्वेश्चन आप देखिए यू नो खाने के लिए मैं प्लेट लेके स्पून हाथ में तैयार है सब तैयार है तो मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा बिल्कुल खाऊंगा राइट right. लड़ाई के लिए दो आर्मीज खड़े हैं वो थोड़ी ना जाके फूल बांटेंगे right. लड़ाई करेंगे बिल्कुल लड़ाई करेंगे सवाल ऐसा क्यों पूछ रहा है राष्ट्र इसलिए वो पूछ रहा है कि क्या धर्म क्षेत्र का इन्फ्लुएंस तो इसके ऊपर आ नहीं जाएगा राइट 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 ही पांडवास पांडवास टू बी किल्ड वो चाहता है कि बचे ना तो जस्ट रिकनफर्म कर रहा है ऐसा तो नहीं है धर्म क्षेत्र के इन्फ्लुएंस से ये साधु बन गए और सोचे कि नहीं नहीं चलो यार सब दे देते दे 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 दे, दे दे, दे, दुर्योधन को क्योंकि सब दे के फिर चले गए फिर फ्यूचर में फिर से उनको फीलिंग आ गया कि हम फिर से आके अपना प्रॉपर्टी मांगे राइट इससे बेहतर मार डालो उनको युक्त hmm. का ये वैसे ये एक्सप्लेनेशन कई प्राचीन आचार्यों ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि दिस इज द मोस्ट लाइकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन करेक्ट राइट सो धर्म क्षेत्र का कॉन्टेक्स क्या है धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया है बिकॉज ये साइट जो था स्पेसिफिकली वॉर के लिए नहीं था इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मैसिव है कल्चरल सिग्निफिकेंस मैसिव है धार्मिक सिग्निफिकेंस मैसिव है कैसे मैसिव है लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी द कुरूज का जो रीजन है कुरु जो भरतवंशी थे उनका रीजन जो है ऑन द नॉर्थ इट वॉज कुरुक्षेत्र राइट वो जोग्राफिकली कुरुक्षेत्र था उसका मेजर सिटी जो है आज कुरुक्षेत्र बोला जाता है राइट right. फिर जो सेंट्रल रीजन था इट वॉज मोर फॉर जियो पॉलिटिक्स उसमें एग्रीकल्चर वगैरह वो भी होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जियो पॉलिटिक्स है बट उसका जो सेंट्रल हब है वहां पे हस्तिनापुर था विच इज ऑफ द्वार्टुस एंड साउथ जो रीजन था वो काइंड ऑफ फॉरेस्ट लैंड था जो नॉट यूज तो उस लैंड को उन्होंने पूरा कुरु जंगल बोला गया था तो पूरा उस एरिया को साफ किया गया साफ करके वहां पे यू नो कृष्णा एंड अर्जुना ने देवर इंस्ट्रूमेंटल इन क्लीनिंग दैट एंटायर प्लेस फ्रॉम फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन किया गया था और वहां पे इंद्रप्रस्थ क्रिएट हुआ okay. तो नॉर्थन सिटी है कुरुक्षेत्र सेंट्रल सिटी है हस्तिनापुर सदर्न सिटी है uh, इंटरप्रस्थ राइट विच इज नाउ डेली सो दॉर्थन रीजन है कुरुक्षेत्र इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मैसेव इसलिए था बिकॉज इट वॉज नॉट मेट फॉर वॉर्स बट बिकॉज इतना रिलीजियसली या धार्मिकलीफ इम्पॉर्टेंट स्पॉट था राइट इट वॉज बिलीव दैट यहाँ पे अगर हमारा मृत्यु हो जाएगा देन हमें मोक्ष मिल सकता है या स्वर्ग मिल सकता है तो बेटर लेट्स फाइट देर अच्छा होगा सबके लिए राइट तो इसीलिए कुरुक्षेत्र चूज किया गया था ये भी एक कारण है अमॉन्ग दीजन वाई कुरुक्षेत्र was chosen, ये भी एक कारण है पांडव एंड कॉरवाजेट एंड ये जो स्पॉट है कुरुक्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि hmm. आप देखिए सतपत ब्राह्मणा जैमिनिया ब्राह्मणा ऐसे कई वैदिक सोर्सेस में इसका वर्णन है

कर्ण इज मोस्ट कॉमन नेम जनरली हम जो है कर्ण नाम जानते हैं राइट right? बहुत फेमस है बट इसके अलावा कर्ण के अदर नाम भी थे राइट right? एक था जैसे राधे उनके मदर का नाम था राधा राइट सो ऑफ कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम राधा राधा राष्णस हाँ तो राधा राधे ये एक नाम था तो राधेय इज अ वेरी नेम सबसे ज्यादा यूज किया गया नाम राधेय है uh, महाभारत में फॉर कर्ण कर्ण के बाद इज दाइएस्ट सेकंड हाईएस्ट इज राधेय और एक और नाम है अंगराज जो अंगराज्य के राजा थे करेक्ट तो एक है और और एक है पार्थ हाँ ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था क्योंकि हाँ। पार्थ तो हम अर्जुन को जानते हैं पार्थ के नाम yes, से yes, yes. तो पार्थ इसलिए यूज किया गया है क्योंकि प्रथा के पुत्र थे प्रथा कुंती है हाँ, क्योंकि कुंती नाम जो है इट इज नॉट दी लाइक द रियल नेम ऑफ कुंती रियल नेम है प्रथा पी आर टी एच ए प्रथा राइट right. प्रथा वहां नाम से उस नाम से आता है पार्थ राइट सो टेक्निकली स्पीकिंग जो भी प्रथा के पुत्र हैं, वो पार्थ है ओके okay. राइट री कॉमली यूज फॉर अर्जुन हम सब जनरली किसी को भी बोलो पार्थ क्योंकि हाँ. तो, हाँ, महाभारत सीरियल शब्द है इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एनी वन प्रथा कोई भी प्रथा के बेटे हैं उनको पार्थ वर्ड यूज किया जा सकता है तो प्रथा है हाँ प्रथा कौन है वो है कुंती कुंती और कुंती हाँ कुंती पे आते हैं अभी कुंती का नाम क्यों कुंती नहीं है मतलब कुंती है बट इट इज नॉट हर रियल नेम मेन जो नाम है वो नहीं हाँ, है हाँ मेन नाम है प्रथा कुंती नाम जो है इट इज फ्रॉम बिकॉज वो कुंती जनपद से है अच्छा कुंती भोज एक जनपद था एक राज्य हाँ। था

So, ये उनका नेम है बेस्ड ऑन द किंगडम इस किंगडम से इस राज्य से वो आए हैं इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल uh, गांधारी हुँ. ये नाम कहाँ से आता है बिकॉज वो गंधार से है राइट right? हाँ, सो right? so, वैसे ये जो नाम है यू नो किंगडम्स गिव द नेम्स फॉर किंग्स एंड क्वीन्स कि वो अपना आइडेंटिफिकेशन उस किंग्स सॉरी बिकॉज वो जो किंग्स एंड क्वीन्स हैं वो अपना आइडेंटिफिकेशन अपने राज्य से करते हैं राइट राइट हे भारत हुँ. जब बोला जा रहा है पांडवों को या कौरवों को मतलब वैसे जो कुंती नाम है उनका रियल नाम नहीं है वैसे हुँ. मतलब जो नाम उनको दिया गया था इट इज मोर ऑफ द आइडेंटिफिकेशन दैट वो कुंती जनपद से है right. कुंती राज्य से है हुँ. सो वैसे आ, पार्थ नाम करने के लिए इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो प्रथापुत्र प्रथा कौन है वो कुंती का रियल नाम है ओके हां सो भीम युधिष्ठिर ये भी पार्थ है अर्जुन भी पार्थ है कर्ण भी पार्थ है यस yes. नकुल और सहदेव नहीं आएंगे नकुल सहदेव पार्थ नहीं हो सकते क्योंकि वो प्रथा के पुत्र नहीं है नहीं है वो माद्री के पुत्र हैं ओके okay. और माद्री नाम भी कहां से आया है वो मद्र जनपद से आया है बिकॉज़ वो मद्र से है इसलिए उसका नाम है माद्री राइट राइट right. जिसके बारे में हमने प्रीवियसली बात की थी चोपड़ा yes. yes. okay. uh, की जो, अब अब जो uh, महाभारत uh, सीरीज बनाई थी उसकी वजह से भी हो सकता है या इन रियल लाइफ भी जो महाभारत में जिस तरह से उसे लिखा गया है जी ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है वो एक बहुत आइकॉनिक सीन है कि वो इन इट एक शायद पूरा प्रॉपर पॉडकास्ट हो सकता है जिस तरह से डेथ हुई कर्ण की उस तरह से क्यों डेथ हुई राइट सो डेथ जो कर्ण का है बहुत बार उसको बहुत ही ड्रामेटिक वे में दिखाया जाता है बिकॉज़ उसको विक्टिमाइज करवाया जाता है कि कर्ण यू नो सिचुएशन से गलती से आ, आ, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे उसके लाइफ में उसके मदर ने भी उसको छोड़ दिया ऐसे वैसे मल्टीपल रीजंस दिखवा के राइट बताते हैं कि ऐसे पूरा लाइफ उसका दुख है एंड अल्टीमेटली वो बहुत ही एक क्रूएल डेथ मरा था बट इन रियलिटी अगर आप देखेंगे आ, ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जब कर्ण ने अधर्म का साइड चूज किया जैसे हमने पहले डिसाइड किया जैसे पहले पहले डिस्कस किया था जैसे ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग श्योर दैट वस्त्रहरण हो राइट right? उसका मेजर हाथ था उसमें व्हाटएवर सेड एंड डन अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट स्त्री का यू नो इज्जत पे यू नो हाथ उठाना या स्त्री को अपमानित करना ये mm. एक हायर uh, कल्चर का एविडेंस नहीं है राइट राइट डिफिट अ पर्सन हु इज लाइक अ किंग और अ वॉरियर एंड ऑल सो आई वुड नॉट से दैट यू नो ही वॉज अ परफेक्ट ह्यूमन बींग बहुत ही उसके अच्छे गुण थे hmm. थे अच्छे गुण थे इन टर्म्स ऑफ दानवीर थे एंड दान बहुत देने में उनका नाम था बिल्कुल था hmm. और वॉरियर भी थे बहुत धैर्यवान बहुत ही करेजियस फाइटर थे, थे पांडवों के साथ भी उनका वो युद्ध बहुत ही hmm. इम्पैक्टफुल था बट बिकॉज ही डिड समथिंग लाइक दैट यू नो दिस वस्त्रहरण में उनका जो रोल था एंड फ्यू अदर इंस्टेंसेस जो अधर्म के पाथ पे हो जाते हैं दैट्स व्हाई ही फेस्ड दिस काइंड ऑफ डेथ ओके राइट बट अदरवाइज ही हैड द चॉइस यू नो कृष्णा ने भी कोशिश किया था एंड मल्टीपल अदर लोगों ने कोशिश किया था उनको कि भाई यू नो दिस इज नॉट द राइट थिंग यू आर डूइंग यू कैन चूज बट कर्ण जो है वो कंटिन्यू करता है अपनी लॉयल्टी hmm. दुर्योधन के प्रति उसको पता भी था कि यू you नो know, दुर्योधन जो कर रहा है इट इज नॉट करेक्ट इट इज नॉट राइट बट वो चूज करता है बिकॉज ही चूज इज यू नो ही इज क्लासीफाइड एज अ पर्सन हु चूज द साइड ऑफ अ धर्मा सो हमें ये लेसन इसमें से हम ले सकते हैं कि uh, हमारा कोई दोस्त है और अगर हमें पता चल रहा है कि वो उसका रास्ता सही नहीं है हम उसको समझा सकते हैं उसको एनरोल कर सकते हैं उसको बता सकते हैं बट अगर हमसे हो नहीं पा रहा है तो हमें वहां से हट जाना चाहिए hmm. जब हम कंटिन्यू करेंगे अधर्म के साथ तो हम भी उसी कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे राइट right. तो हम करने के लाइफ से ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चाहे हमारे अंदर जो अच्छे गुण हो ना हो जब हम अधर्म के साथ साइड करते हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड फ्यूचर राइट सो बेहतर है कि जब आपको लग रहा है कि यू you नो know, गलत चल रहा है तो एक लेसन जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपको लग रहा है आपका दोस्त जो है देश विरोधी काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल भारत के विरुद्ध में कुछ कर रहा है स्पाई का काम कर रहा है तो रिपोर्ट क्यों नहीं करेगी डेफिनेटली करेंगे वहां पे हम थोड़ी ना बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरी दोस्ती सर्वोपरि है राइट <laughs> right. हम जो है देखेंगे कौन सा हायर धर्म है कि धर्म में भी क्या होता है एक धर्म एक लेवल पे है दूसरा धर्म दूसरे लेवल पे कौन सा हायर धर्म है स्त्री का इज्जत जो है वो सबसे यू नो कंपेयर टू दिस अदर एस्पेक्ट्स ये हायर चीज है hmm. अगर तुम्हें अपमानित हुआ भी आ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम आ, कोई स्त्री के अपमान में एक मेजर रोल लोगे राइट hmm. सो right? so, उस कॉन्टेक्स में अगर हम देखेंगे तो वॉट ही डिट वॉज सर्टनली नॉट अप्रोप्रिएट ओके सो द डेथ विच ही फेस्ड यू नो वॉज प्राइमरली ड्यू टू द

नहीं हो रहा था देन बोले करने को बोले करने ने बोला कि मैं उठा के देखूंगा तो दोनों अपनी कोशिश कर रहे थे आखिर तक कर रहे थे और जब कर्ण मारे गए अर्जुन के एरो से उसके बाद शल्य जो है उसी रथ को लेके आगे बढ़ जाते हैं ओके सो so ऐसा नहीं था कि यू नो जैसे ड्रामेटिक दिखाते हैं कि मारे गए एंड यू नो बहुत सारा ड्रामास हो रहा ये ऐसा कुछ नहीं था ऑल द सॉट्स वैनवर वी स्टडी लिटरेचर इट्स इम्पोर्टेंट आई मीन वैनवर स्टडी महाभारत इट्स इम्पोर्टेंट कि हम जो है ऑथेंटिक सोर्सेस पे जाए यू नो मूवी में या मेनली जो सीरियल्स आते हैं hmm. बहुत बार ये होता है कि मिर्च मसाला बहुत ऐड करते राइट right. मिर्च मसाला ऐड करना जरूरी है तभी यू you नो know, उनको लगता है कर्ण के डेथ के बाद ही वॉरियर्स तो नेचुरली ही बिकेम सेनापति इसीलिए अगले पर्व का नाम था शल्य पर्व राइट और फिर आपने जैसे कहा कि उसके बाद में महाभारत एंड होती है नहीं नहीं उसके बाद महाभारत कुरुक्षेत्र का वॉर वा, एंड कुरुक्षेत्र वॉर एंड होता है बट अगर आप देखेंगे पर्व के हिसाब से यू you नो know, उसके बाद सब बहुत सारे पर्व है right, राइट हाँ तो इसके बाद में फिर मतलब जिस तरह से डेथ हुई है सबकी एंड उसको लेके भी लोगों के अपने अपने थॉट्स होंगे तो वो सब होगा एम श्योर sure. हाँ जैसे एक पर्व है आ, स्त्री विलाप पर्व हुँ. जिसमें सब जो भी लेडीज हैं वॉरियर्स के वाइफ्स वॉरियर्स के बेटिया या हुँ. मदर्स वो सब लोग आके वहाँ पे पूरा दुख में है रो रहे हुँ. हैं तो स्त्री विलाप पर्व है और एक है शांति पर्व जहा पे यू नो अनुशासन पर्व डिसिप्लिन लाने का टाइम आ हुँ. चुका है ना, अनुशासन फिर जो आता है मौसल पर्व है तो मौसल पर्व में क्या होता है ये पूरे जो यादवाज है यादवाज अब हर एक यादव दूसरे यादव को अः मारता है और कोई यादव बचते नहीं है तो ये हुँ. नो पर पर्व है तो ऐसे बिल्ड होके होके फाइनली महाभारत जो टेक्स्ट है कंक्लूड होता है ओके okay, ओके okay. uh, तो सर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट एक चीज जो शायद हमें एड्रेस करनी चाहिए वो ये कि महाभारत के टाइम पे या महाभारत का जो इम्पैक्ट था अगर हम जोग्राफिकली देखें तो कहां कहां तक था एंड uh, मतलब इसमें शायद हम भारत जो अखंड भारत की हमने पिछले बार भी बात की थी वो भी शायद इंक्लूड हो सकता है राइट सो स्पीकिंग ऑफ महाभारत ज्योग्राफी बहुत ही वास्ट था राइट लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखो एटलीस्ट वेस्टर्न डायरेक्शन में हम देखें जो आज बहुत सारे हमारे पास है नहीं hmm. इंडिया के पास. तो उसमें, uh, तो था महाभारत right. right? के जियोग्राफी में एंड देन ऑल्सो लॉर्ड ऑफ अफगानिस्तान आई मीन प्रॉब्ली द दहा ज्योग्राफी एंड देन ईरान राइट ईरान में अगर आप देखेंगे देर इज दिस एंशन नेम कॉल दस पार्श्वा hmm. पार्श्व जनपद पार्श्व लोग या पार्श्व जनपद सो so, पार्श्व बन गया पर्शियंस ओके राइट सो इसका कनेक्शन भी महाभारत से मतलब महाभारत का ज्योग्राफी वहां तक था देन वी ऑल्सो है गंधार विच इज गांधार वो तो सबको पता है गांधारी वहीं से आई है देन बाली का बालहिका इज नॉर्थन रीजन ऑफ अफगानिस्तान जो बालिका एक बहुत वास था टूवर्ड्स चाइना कुछ था टूवर्ड्स चाइना फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो की कृष्णा रेफर्स टू दुल ऑफ दीपल

अनफॉर्चुनेटली बहुत ही खंडित हो चुका है बट दोग्राफी ऑफ द महाभारत वेरी इंडिया का नाम भारत चेंज हो भी गया इट hmm. इज भारत इट इज नॉट महाभारत सो महाभारत तब होगा जब ये जो महान भारत था hmm. मतलब जो वास्ट भारत था, भारत आ, या कुछ से लगता है तो वो रीजन जो है पूरा रीजन जब आज के भारत के कंट्रोल में रहेगा देन यू कुड एक्चुअली कॉल इट महाभारत ओके आई थिंक जिस तरह से हमने ऑफ द कैमरा भी आज बात की है एंड ऑन द कैमरा भी आपने कहीं कहीं पे मेंशन किया कि बहुत सारे हमें सेपरेट पॉडकास्ट करने पड़ेंगे इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि महाभारत का क्या इम्पैक्ट था बोथ फिलोसॉफिकली तो ऑफ़ कोर्स एंड जोग्राफिकली आर्कियोलॉजिकली एविडेंसेस वगैरह तो आई डोंट इवन नो कि हम किस तरह से इसे करेंगे बट फॉर श्योर वील प्लान दोज क्योंकि जो अभी आपने बात कही जोग्राफी वाली इन इट्स एल्स भी बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है क्योंकि चाइना तक हम मतलब वो जो वल्ड की आपने बात की यहाँ पर ईरान तक जो कि आज के जियो पोलिटिकल इस सिनारियों से हम देखें लेंथ से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कि हमारी जोग्राफिकल इम्पैक्ट उस टाइम पे वहां तक था तो फॉर श्योर दिस डिमांड्स फॉर अ न्यू पॉडकास्ट प्रोबली ऑन द जोग्राफी और द एविडेंस बट सर आज का ये पॉडकास्ट करने के लिए थैंक यू आपने कई सारी चीज़ें बताई अबाउट करना कई सारी एविडेंसेस पे हमने बात की है कोई ऐसी चीज जो रह गई हमसे एंड यू स्टिल वॉन्ट टू डिस्कस महाभारत इज एन एनसाइक्लोपीडिया अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप लेंगे अर्जुन एंड कर्ण का जो कॉन्फ्लिक्ट उसका एक अलग पॉडकास्ट ही बन जाएगा इतना कॉन्टेंट है कि उनका पूरा हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ कैसे लड़ाई किया क्यों किया इसके माइंडसेट में क्या था हुँ. उसका क्या था फाइनली कैसे कंक्लूड हुआ राइट right. तो वैसे कंटेंट वाइज महाभारत में कोई कमी नहीं है इन टर्म्स ऑफ यू नो प्रोबब्ली मैं एंटायर लाइफ भी पॉडकास्ट करता रहूं फिर कंप्लीट नहीं होगा <laughs> right. इतना सारा कंटेंट महाभारत हमें दे सकता है सो बट वी विल टेक द मेजर वंस जो इंपॉर्टेंट sure. है लोगों के लिए उनके लाइफ्स के लिए हम वी विल टेक दैट एंड वी विल डू दैट इन द ओके Um, अगर आप लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख चुके हो आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लीज़ बाय द बुक मैंने थर्टी फोर्टी परसेंट ऑफ द बुक अभी तक पढ़ी है एंड इट इज़ फेंटेस्टिक मतलब इस बुक की तरह महाभारत पे आई डोंट थिंक सो कोई और बुक लिखी गई है विथ सो मच डेटा फैक्ट्स एविडेंस जोग्राफिकल आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि आप आपके भारत को जानो असली भारत को जानो एंड आप सर की ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोरिका को भी डोनेट कर सकते हो यू कैन चेक आउट हिज वेबसाइट जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ऑफ़ कोर्स। सो थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट करने के लिए थैंक यू सो मच